क्रिसमस और दीपावली की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हमारे लिए इस बात से बहुत ऐतिहासिक रहा है, विशेषकर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, हमारी सहायिकाओं के लिए, हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि उनकी मानदेय वृद्धि की जाए, तो उनके मानदेय में आज वृद्धि की घोषणा भी कर दी है। और वह मानदेय वृद्धि एक, मैं समझती हूँ कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब इतनी बड़ी धनराशि के साथ में जो है वो मानदेय वृद्धि की गई होगी। और इस मानदेय वृद्धि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1800 और हमारे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1500 और हमारी सहायिकाओं का 1500 सरकार ने करने का निर्णय लिया है। और खुशी की बात यह है कि निर्णय के साथ साथ में आज जो है विभाग ने उसका जियो भी जारी कर दिया है, तो ये बताता है कि हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान करते हैं, अपने मिनी का कितना सम्मान करते हैं, हमारी सहायिकाओं को कितना सम्मान करते हैं और इसकी गंभीरता को भी हम समझते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज कहने के साथ साथ में जो है ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड उसको हम लेकर भी आए हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ भी कहना चाहूँगी कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमेशा से एक मांग रही है कि हमें जो है सुपरवाइजर के लिए हमें भी जो है आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी इसका अवसर मिलना चाहिए। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारी ही सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, धामी जी की सरकार ने सुपरवाइजर सेवा नियमावली में परिवर्तन किया है और 10% जो है हमारे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए उसको सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ में एज रिलैक्सेशन दिया है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा जो ये कार्यकाल रहा है 4.5 साल का अभी तक का, मुझे अपने उस कार्यकाल पर गर्व है क्योंकि यहाँ पर मैं